हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वीवो Y20T मोबाइल में आप ऐप्स को कैसे हाइड कर पाओगे दोस्तों, एप्लीकेशन को कैसे छुपा पाओगे। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों एप्लीकेशन को छुपा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों करना क्या, सबसे पहले अपनी सेटिंग ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे सेटिंग ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी एंड एप्स इंक्रिप्शन का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। दोस्तों यहाँ से पासवर्ड बना लेना है। जैसे दोस्तों पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको करना क्या है, हाइड ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऐप्स रहेंगे आपके सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है वी हिडन ऐप्स और वेरीफाई प्राइवेसी पासवर्ड, दोनों ये दोनों पे जब तक इनेबल नहीं करोगे तब तक आपको हाइड किया हुआ ऐप्स नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हाइड किया दोस्तों, और दूसरा एक ऐप और हाइड कर लेते हैं साथ में। दोस्तों यहाँ पे पब्लिश का एक हाइड एक और ऐप इनेबल कर देते हैं दोस्तों, ओके कर देते हैं इसको और हाइड हो चुके। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं डायरेक्ट कट करके इसको कैसे देख पाएंगे। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, डायरेक्ट करके अपने होम स्क्रीन पे जाना है दोस्तों, और होम स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे आपको दो उंगली से ऊपर की ओर स्वाइप करना है। दोस्तों जैसे ही स्वाइप करेंगे ऊपर की तरफ तो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है अपना, जो भी पैटर्न रहेगा पैटर्न डाल देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों ऐप्स हाइडन ऐप्स हो चुके हैं, दोनों दोस्तों ऐप हाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीवो Y20N मोबाइल में आप ऐप को हाइड कर पाओगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब।